बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन दो प्याज़ा, जिसके लिए मेरे पास चिकन है हाफ के जी से ज़्यादा है। ये गोल वाली मिर्ची है, साबुत धनिया है, लहसुन अदरक है, दही है, ये प्याज है दो प्याज़ा के लिए, टमाटर है, सब्ज मिर्चें कटी हुई हैं लंबाई में, अदरक है लंबाई में कटा हुआ, एक कप के करीब घी डाला है, कुकिंग ऑयल। अब इसमें ये प्याज कटे हुए डालेंगे। बहुत ही मज़े का ये चिकन दो प्याज़ा तैयार होगा। जब तक प्याज फ्राई होते हैं आप मेरे चैनल मास्टर शेफ़ लाहौरी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, दरमियान में स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करें एंड तक। बहुत ही आसान तरीके के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। प्याज गोल्डन हल्का लाइट हो गया, अब इसमें ये लहसुन अदरक डाल देंगे, ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे, बाकी आधा चम्मच सिर्फ मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच नमक का डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी का डालेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। मसाला अच्छी तरह से भून गया, अब इसमें चिकन डाल देंगे और उसको भी भून लेंगे। चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनेंगे। चिकन अच्छी तरह से भुन गया, अब इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच और साथ ही ये दही डाल देंगे। दही वाला कप भी डाल दिया और दही में इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। अब चिकन में आधा कप पानी का डाल देते हैं, जिससे चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। ऊपर से कवर लगा देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। अब चिकन दो प्याज़ा को लगाने के लिए उसका बघार तैयार करते हैं। एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का डाला है और इसमें एक चम्मच मक्खन का डालेंगे। अगर डालडा बनस्पति है तो डालडा बनस्पति डाल सकते हैं। प्याज रखेंगे इसमें, इनको फ्राई करेंगे, इनको लाइट सा कलर देंगे, इस तरह से दरमियान में से कट किए हुए हैं, फिर बाकी के मसाले डालेंगे इसमें। इस तरह से प्याज को एक साइड से तेज कर देंगे, इसको लाइट सा कलर देंगे। अब 6-7 अदद ये गोल मिर्चें डाल देंगे लाल, इस तरह से इनको हल्का हल्का फ्राई करेंगे, प्याज का कच्चापन ख़त्म कर देंगे। बहुत ही मज़े का ये चिकन दो प्याज़ा तैयार होगा अगर आप इसी तरीके से इसी तरह बनाएंगे। ये साबुत धनिया डाल देंगे, इस कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, इसमें साबुत धनिया बहुत अच्छा लगता है, साबुत ही डालें, और ये अदरक कटा हुआ डाल देंगे और इसको 1 मिनट फ्राई करके फिर इसको चिकन में शामिल करेंगे। सारी चीज़ें एक साथ नहीं डालनी है, अलहदा अलहदा टाइम दे के डालनी है, क्योंकि फिर इस तरह से चीज़ें जल जाती हैं। देखे कितना अच्छा प्याज का कलर आया है दोनों साइडों से, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इसको चिकन में डालेंगे। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, अब इसमें ये बघार लगाया हुआ तड़का डाल देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 5 मिनट का दम रख के फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट का दम लगा के फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार चिकन दो प्याज़ा बनके तैयार हो गया। इसको बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, दुआओं में याद रखा करें।